लोगों के घर घर राशन देना चाहिए। इतनी फंड आया है पीएम मोदी के पास, इतनी लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिया है, इसका पैसा कहाँ गया? मोदी जी है ना, उन्होंने भी बोला था किसी का पैसा ना काटा जाए, लेकिन जो फैक्ट्री वाले हैं जो अभी अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। इसमें बंदा क्या होता है, अगर एक आवाज़ नहीं उठाता है, आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाता है कि अगर वो आवाज़ उठाएगा तो उसको उसकी रोजी रोटी कहीं ना छीन जाए। गरीब लोगों का इसी का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उनकी मजबूरी को उनको तो करना ही पड़ेगा, कम पैसों में भी कराएंगे तो भी करना पड़ेगा। बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे घर पे मोबाइल मिल गया बस, और वहाँ स्कूल से डेमो क्लासेस के लिए मैसेज कर दिया, उसमें एक ग्रुप बना दिया बच्चों को, ये उसमें सिलेबस वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें क्या बच्चे पढ़ेंगे, कार्टून देखते रहते हैं पूरा दिन। समस्या मैं ये फेस कर रहा हूँ कि लोगों को जो है राशन की दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे जैसे राशन बढ़ता है नोएडा में, तो राशन कार्ड पे ही लोगों को राशन मिल रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट हरदोई मल्लावा का रहने वाला हूँ। तो आप नोएडा में रहते हैं, तो आपका राशन कार्ड है यहाँ पर? नहीं, राशन कार्ड नहीं है यहाँ का। राशन कार्ड नहीं है जी? तो हाँ, राशन फिर कैसे लेते हैं आप? राशन मिलता ही नहीं है, जो मेरे पास पैसे हैं उसी से राशन खरीदता हूँ। और जिसके जो यहाँ पर कोटेदार है, तो वो क्या कहता है? वो तो ये कहता है जिसके पास राशन कार्ड है उसी को ये राशन मिलेगा। अच्छा, तो आपके पास यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, तो आपको राशन भी नहीं मिल पा रहा? नहीं नहीं। तो फिर राशन दुकानों से खरीदते होंगे आप? हाँ जी, दुकानों से खरीदता हूँ। दुकान खुलती हैं आसपास? हाँ, खुलती हैं दुकानें। अच्छा, जो रेट हैं राशन के, क्या वो कुछ बढ़े हैं इस लॉकडाउन के समय में? कुछ बढ़े हैं। अच्छा। मैं उनसे जब बोलता हूँ जो रेट हैं उस पे, उसी रेट पे दीजिए आप राशन, तो उन्हें मेरे को पीछे से ही मिल रहा है, जब इतना महंगा राशन आ नहीं रहा है तो मैं भी यहीं से बढ़ा के दे रहा हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता उनको। तो आपको महंगा खरीदना पड़ रहा राशन? जी। तो जब एकदम से लॉकडाउन ख़त्म होगा कभी, तो बहुत सारे लोग एकदम से काम पे जाएंगे, तो रोज़गार की मांग होगी, क्या लगता है जो लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, क्या उन्हें पहले की तरह जो है रोज़गार मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी उसी वेतनमान मिलेगा, या कुछ कम करके मिलेगा, कुछ ऐसा आइडिया है आपको? पहले जैसा नहीं रहेगा सर, बहुत बहुत कम लेवल पे आ जाएंगे, काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें भी कुछ कट के मिलेंगी। अच्छा, वो चीज़ नहीं रहेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। बच्चों के एग्ज़ाम भी मुश्किल से हो पाए थे, किसी किसी के बच्चे के एग्ज़ाम रह गए हैं, एक दो पेपर वगैरह, उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको नया सिलेबस नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने जो है बच्चों को होमवर्क देना कर दिया है मोबाइल फ़ोन पर जी। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि इनकम है नहीं घर में, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अपना गेम वगैरह खेल रहे हैं, और जो स्कूल की फ़ीस वगैरह हो गई है, अब ये प्राइवेट स्कूलों की एक फ़ीस है जो 3 महीने की माफ़ करनी चाहिए इसमें। तो ये जो बच्चे क्या मोबाइल से कैसे घर में पढ़ लेंगे, वो तो मोबाइल में गेम वगैरह खेलते रहते हैं मोबाइल पर क्या अब सिलेबस आया उसमें स्कूल ने वहाँ से दिया मोबाइल पर होमवर्क करने के लिए, बच्चे थोड़ा बहुत किए बस गेम खेलने लगे, वो घर में गार्जियन पढ़े लिखे तो है नहीं इसमें कि वो अपना ध्यान दे सकें, जो एजुकेटेड है पढ़ा लिखा वो अपने बच्चों को देख रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो तो सोचेंगे बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे अपना। अच्छा। कुछ खेल रहे हैं। अच्छा, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हैं जी, तो ये क्या स्कूल कोई ऐसा आपको सूचना मिली है कि आपके बच्चों की फीस माफ हुई या नहीं हुई है? ऐसी सूचना तो नहीं मिली है, बट ऐसा होना चाहिए, जब प्राइवेट स्कूलों में हैं जैसे कि बच्चों की फ़ीस है 3 महीने की, तो माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इतनी खुलेगा फिर इतनी जल्दी तो इनकम हो नहीं पाएगी लोगों के पास कि वो अपना फ़ीस जमा कर सकें। अच्छा। 3 महीने की तो फ़ीस माफ़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि लोग खाना वितरण करते हैं, क्या करते हैं जैसे कि भंडारा हो गया, लोग दे देते हैं, ये अपना जैसे ही नाम कमाना है थोड़ा सा भंडारा कर दिया, इसमें लोगों का कैसे पेट भरेगा खाने के लिए? तो इसमें है कि लोगों के घर घर राशन देना चाहिए। इतनी फंड आया है पीएम मोदी के पास, इतनी लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिया है, इसका पैसा कहाँ गया? इतनी करोड़ों जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान में, जितना फंड आया अगर उसको हर एक बंदे को दिया जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। ये तो सर पुलिस मनमानी कर रही, प्रशासन जो दिया है ना कि अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको आप दंडित करने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसका पैर हाथ तोड़ दो, फ्रैक्चर कर दो, तो ऐसे दिक्कत है, गरीब लोगों की दिक्कत है ना, क्योंकि गरीब लोग भी मार खाते हैं, और बड़े लोग हैं मैंने देखा घूम रहे, मास्क भी नहीं लगा उनको, कोई
कुछ नहीं करता, टेस्ट भी नहीं करता। अच्छा, तो वो आदमी की सिचुएशन देख करके उस पर हमला करती है पुलिस। जी, अभी आप जैसे गरीब को देख लिया, गाड़ी से उतरे, उसको दंडित किया, ठीक है। अच्छा, अगर जा रहे कहीं भीड़ है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे एजुकेटेड लड़के हैं आदमी, वहाँ पे नहीं उतरेगी, वो सीधे चली जाती है। मतलब वेशभूषा देख करके पुलिस जो है उनके साथ में डील कर रही है। जी, ये पुलिस का सौतेले व्यवहार है। हाँ, मैंने इस पर कंप्लेन भी की थी। अच्छा, हाँ, एक 1076 पे कंप्लेन की थी, बट एक हफ्ते में मेरे पास आया था कॉल यहाँ से, तो दरोगा ने बोला था आपकी जो, हमने बोला प्रॉब्लम तो थी, लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम थी तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लोगों की इनकम ख़त्म हो गई है, तो डीएम ने ऑर्डर कर दिए थे कि एक एक महीने का कोई भी व्यक्ति किराया नहीं लेगा अपने किराएदारों से, तो क्या लग रहा है? लेकिन जो मकान मालिक है उनके बिल तो लगातार आ रहे हैं। डीएम ने ये तो आदेश कर दिया था कि किराया नहीं लेंगे, बट ये नहीं बोला कि बिजली बिल के लिए, कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है बिजली बिल, पहले तो उसे माफ़ करना चाहिए ना। अच्छा जी, मतलब जो ये बिजली के बिल भी जो है माफ़ होने चाहिए लॉकडाउन, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनकम है नहीं तो लोग कहाँ से बिल देंगे। इतना बिल हो रहा है, लोग घर में रह रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो बिजली का बिल होगा कहाँ से, ये लोग लाएंगे जब इनकम नहीं है।